अभी जीएसटी लेना है इसके बाद। मतलब तू देगा मुझे? हाँ, अगर वो ऐसा ये हुआ तो दूंगा ना। तो मैं दुआ करता हूँ ना, मैं भगवान से दुआ करता हूँ, सुबह शाम दुआ करूंगा भूषण का भला हो, भूषण मुझे जीएस दे। मुझे ऐसा लगता है बिहाइंड द सीन अगर सब लोग दिखाने लगे तो पंगा हो जाएगा। आज के व्लॉग में हम लोग गैप के बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे पता है 10-10 दिन का गैप आ रहा है, कभी 12 दिन का गैप आ रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ पे काम करो और उस चीज़ पे 100% कॉन्सेंट्रेशन होना ज़रूरी है। वो जब आएगा तब सब नॉर्मल होगा, हमारी चीज़ें लाइन पे आएगी और हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ। जल्द से जल्द ये भी ठीक होगा, ये मेरा वचन है। और मतलब मुझे DM आए थे, बहुत निगेटिविटी फैल रही है, न्यूज़ देखना बंद करो। मुझे लगता है न्यूज़ पे जितना ड्रामा चल रहा है कहीं पे न्यूज़ दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल सब लोग वही यूज़ कर रहे हैं #RIPNews। व्लॉग में ये खुशी होती है जब लोग हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग से व्लॉग अगर शुरुआत हो तो और क्या चाहिए। ये एक प्रोडक्ट है और एक लाइट है। फाइनली 6 महीने से जिसका वेट कर रहा था वो लाइट्स आ गई है। लॉकडाउन से पहले ऑर्डर किया था। ये MI का पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर, इसका वेट मैं कुछ दिनों से कर रहा था बिकॉज मेरे पास जो पहला एयर कंप्रेसर था वो मिशेलिन का था। तो मिशेलिन में हमें वायर कनेक्शन आता था और वायर कनेक्शन थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। अभी अगर पोर्टेबल चीज़ हमें मिल रही है और ये चीज़ हम लोग ट्रैवल करने से पहले चार्ज करके रख सकते हैं, और इतनी छोटी चीज़, अभी तक मैंने बॉक्स ओपन नहीं किया लेकिन बॉक्स भी आप देख सकते हो कितना छोटा है। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है और मैं यहाँ पे इसका रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके फीचर्स बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो हमारे काम की है, स्मॉल एंड कन्वीनियंट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करते समय, ऐसे गैजेट्स हमारे साथ होने चाहिए। मेरे हाथ का साइज और इसका साइज, ये लाइट का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये परेश भाई यूज़ करता है इसलिए मैंने सेम लाइट ऑर्डर किया, हालांकि इसे आने में बहुत टाइम गया है, 6 महीना तो मैं पकड़ सकता हूँ आराम से। यहाँ तक मैंने व्लॉग शूट किया था, इससे आगे जो भी व्लॉग था वो GoPro पे शूट हुआ, और GoPro पे जितना व्लॉग शूट हुआ है उसमें आवाज़ नहीं है। माइक में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, माइक के वायर में कुछ भी आवाज़ नहीं है। तो पूरी दिन की मेहनत जो थी वो पानी में चली। इसमें मैंने लाइट के बारे में कुछ डिटेल्स बताया था, तो ये जो लाइट्स है वो मैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, जहाँ पे मैं नाइट राइड करूँ या नाइट में थोड़ा बाइक लेके बाहर निकलूँ। 2013 से मैं बाइक चला रहा हूँ, 2013 से अभी तक मैंने कभी भी इंटरकॉम लगा के बाइक चलाई नहीं है, तो पहली बार इंटरकॉम लगा के बाइक चला रहा हूँ। आवाज़ प्रॉपर आ रहा है भूषण? ये वाला ब्रिज मत ले, नीचे से आप पेट्रोल डालना है। आवाज ठीक आ रहा है? 800 मीटर तक ठीक आ रहा है, उससे अगर हम लोग थोड़ा लंबा हो जाते, 1 किलोमीटर या 900 मीटर तक जाते तो आवाज थोड़ा ऊपर नीचे होता है। मेरे पास जब 390 थी तो 390 मुंबई के ट्रैफिक में हीट हो जाती थी, ओवर हीट नहीं, हीट हो जाती थी। लेकिन अभी ये V-Strom है तो V-Strom 650 होके भी मुंबई के ट्रैफिक में हीट नहीं होती है, इसका जो हीट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। टंकी पे मत गिरा दोस्त, गूगल पे है। हाँ भाई अच्छा हुआ, घर से बाहर निकले राइड भी नहीं कर रहे, 30 किलोमीटर जाना है तो भी यहाँ पे नाम नंबर बता के जाओ। लेकिन कोई बात नहीं यार, ये लोग अपने सिक्योरिटी के लिए है। ओके थैंक यू। ये भूषण के वैसे रुकना पड़ता है, भूषण को रुकाते हैं सब लोग। मेरा निकल जाएगा ऊपर। क्यों डाला? राइट से ले, राइट में जगह है। डर गया तू? ये ट्रक इतना तेज चल रहा है, ये ट्रक जो बैरिकेड्स होते हैं साइड में वो बैरिकेड्स उड़ा के आगे चला गया, वो बैरिकेड्स उड़ के वो बीच में आ, मेरे और भूषण के बीच में है, तो भूषण को ऐसा लगा वो अभी गिरने वाला है। और ये हेलमेट मैं एक 15-20 दिन यूज़ करूँगा तो मुझे लगता है थोड़ा रिलीफ फील होगा, हल्का सा मुझे चिक्स के यहाँ पे हल्का सा मुझे टाइट फील हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा जैसे जैसे यूज़ करूँगा वो नॉर्मल हो जाएगा। एक चीज़ है, बहुत लोग बोलते हैं AGV में नॉइज़ कैंसिलेशन अच्छा है, तो अभी आज मुझे पता चलेगा मैं जो बात कर रहा हूँ उसका आपको आवाज़ कैसे आता है। तो ज्ञान वाली बात है, अगर तुझे दुख नहीं चाहिए, तुझे सुखी रहना है ज़िंदगी में, तो तुझे इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। ऐसे बात करता हूँ तो बाबा वाली फीलिंग आती है।
एक टाइम था जब ये टोल नाका क्रॉस होता था, हम लोग बोलते थे हम लोग मुंबई के बाहर आए, मुंबई को क्रॉस करके। लाइफ में सबसे जरूरी मेमोरीज है, आपको मेमोरीज बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगी, आपको हर एक मोमेंट जीना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते समय थोड़ा जीना सीखो, भागते भागते ट्रैवल मत करो। और ये खूबसूरत नाला बहुत दिनों से ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नदी अरे वो उसकी खूबसूरती है पागल, बास नहीं आएगा तो नाला थोड़ी होगा। आजकल राइड कम हो रही है लेकिन राइड के लिए शुरू किया गया मेरा शुरू आजकल राइड कम हो रही है लेकिन राइड की तैयारी चालू है। मतलब आने वाले दिनों में मेरा जैसे काम खत्म हो जाएगा उसके बाद होगा, कुछ प्लान होगा। कंफर्टेबल है, काम करके देखा ठीक है। लास्ट टाइम जब नंबर प्लेट का प्रॉब्लम था, ये यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा ब्रैकेट कट करके लगाया था, तो ये मुझे सुशील ने बताया था। सुशील का थाने में शॉप है SMG कस्टम्स। जो काम मतलब मैं इतना भागम भाग करके जो सॉल्व नहीं हुआ था वो सुशील ने मुझे ऐसे सॉल्व करके दिया था, अंधेरा आ रहा है शायद से, ऐसे सॉल्व करके दिया था। तो ये थाने में चिराई एरिया है, चिराई के यहाँ पे SMG कस्टम्स है। तो अभी भूषण का काम तो हो गया, भूषण ने राइजर लगाया, मैं राइजर का वेट कर रहा हूँ, मुझे भी राइजर लगाने हैं ताकि और बाइक अपनी कम्फर्टेबल हो जाए। लेकिन अगर मैं राइजर लगाऊंगा तो 200 में एक्स्ट्रा वायर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वायर का पहले जुगाड़ करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कितने इंच के राइजर मेरे बाइक पर फिट हो जाते हैं, उसके बाद मैं राइजर लगा पाऊंगा। कैमरा घुमाता हूँ तो बोलता है राइड करनी है, कैमरा बंद करता हूँ भाई जाना है राइड पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद आपसे बातें कर रहा हूँ, बाहर घूम के बातें कर रहा हूँ। अभी जेज ही लेना है इसके बाद। आज BMW का कैप पहना है भूषण, बोल रहा है GS लेना, मतलब तू देगा मुझे? हाँ अगर वैसा ये हुआ तो दूंगा ना। तो मैं दुआ करता हूँ ना, मैं भगवान से दुआ करता हूँ, सुबह शाम दुआ करूँगा भूषण का भला हो, भूषण मुझे GS दे। कैसे अविनाश? एकदम ठीक भाई, क्या बोलते हैं, बड़े दिनों के बाद, बड़े दिन शिफ्ट हो गए ना हम लोग इधर, अभी रॉयल एनफील्ड नहीं भेजेगा। चल भाई मिलते हैं, खाएगा एकडी से लोग राइडिंग बूट पहन के समझ खाना पड़ रहा है, कब जाएगा क्या पता। आज अगर कार लेके आते तो हम लोग आराम से कार में बैठ के खाना खा सकते थे, बहुत दिनों के बाद मतलब कम से कम 6 महीने के बाद मैं मैगी में कुछ खा रहा हूँ। सॉरी ये जो खुशी दिख रही है ना आपको, ये खुशी एक प्रॉमिस की है। मैंने भूषण को लास्ट टाइम खाने से रुका था और बोला था नेक्स्ट टाइम मैं मेरे तरफ से खिलाऊंगा। नज़र तो देखो खाने की तरफ, नज़र तो देखो। आने वाले दिनों में राइड के प्लान है, शायद से 2 या 3 दिन में हम लोग का प्लान बनने वाला है। 1 डे राइड मारूंगा, एक छोटा वाला 200-300 किलोमीटर, मतलब अप एंड डाउन पकड़ के 200 या 300 किलोमीटर हो जाएगा। जिस काम के लिए, जो मैंने व्लॉग के स्टार्ट में भी बोला है, जिस काम के लिए ये सब चक्कर चालू है वो काम हो गया है, तकरीबन हो गया है, 80-90% हो गया है। एक बोलते ना हाथी गया है पूछ बाकी है, वैसी वाली चीज़ हो गई है। वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, मैंने ये कमिटमेंट दिया है आपको कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम के चक्कर से बाहर निकलने के लिए ये काम के हम लोग पीछे लगे थे। तो बस आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देखा है तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना और ज़िंदगी में माहौल बनाते चलो, और कहते रहो माहौल का पैसा है बहुत। अरे रुक रुक।